आज हम बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी बनाने वाले हैं बकरे के पाए। इसमें सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक को स्प्रिंकल कर दिया था, अच्छे से लगा दिया था। फिर मैं आटा लगा रही हूँ, इसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब आटा अच्छे से लगा के 15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के आप इसको धोइए पानी से, जिससे कि इसके लगे हुए बाल या फिर कोई भी गंदगी अच्छे से साफ हो जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब एक प्रेशर कुकर में ये पाए डालेंगे और उसमें 2 मीडियम प्याज मोटी कटी हुई, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 पूरे लहसुन के जवे, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी का डालेंगे और 3 ग्लास के करीब पानी डाल रहे हैं। इसी पानी से हमारी ग्रेवी तैयार होगी, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इसे एक बार मिक्स कर देंगे। इसे पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है और उसके बाद 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब मटन ले लिया है। ये ऑप्शनल है, ये प्रोसेस आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें और करना चाहते हैं तो इसे तैयार कर लेते हैं। चलिए 1/3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, नमक 1/2 चम्मच डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है और एक छोटे साइज की मोटी कटी हुई प्याज इसमें ऐड की है, 1/2 ग्लास पानी और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसको कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 8 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए 80% तक कुक हो गया है, यानी कि इसी तरह का हमें चाहिए। पूरी तरह से सॉफ्ट इसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसको पाए के साथ भी गलना है। तो इसको मैंने भून लिया है, बस ऑयल सेपरेट हो जाए और एक्स्ट्रा पानी सूख जाए तो ये रेडी है। ये देखिए 30 मिनट हमारे पाए को भी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये पाए का सूप रेडी है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है बच्चों के लिए भी और घर के बुजुर्गों के लिए भी। बस गार्निशिंग के लिए इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालिए, हरा धनिया डालिए और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म सूप रेडी है। चलिए आ जाते हैं अपने पाए के प्रोसेस की तरफ। तो पाए यहाँ पे मैंने छान लिए हैं, पाए अलग कर लिए हैं और उसका स्टॉक अलग कर लिया है। तो चलिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 60 ग्राम के करीब मैं घी ले रही हूँ, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। जीरा 1/2 टीस्पून डाला है, 3 सफेद इलायची डाली है, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा 1/2 इंच का, 8 से 10 काली मिर्च, 4 लौंगे। इनको 10 से 15 सेकंड्स के लिए क्रैकल कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। और कुछ मसाले डाल लेते हैं, 1/2 चम्मच नमक, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। बस इन मसालों को इसमें ऐड कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त बिल्कुल स्लो होनी चाहिए और थोड़ा सा पानी इसमें जल्दी से ऐड कर दीजिए ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो अब इसमें मैं 100 ग्राम के करीब दही डाल रही हूँ। इसको धीमी आंच पर ही डालें, नहीं तो दही फट जाता है। इसे थोड़ा सा भून लें ताकि दही का कच्चापन निकल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए ये रेडी हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब इसमें हम अपने पाए डाल देते हैं। 3 से 4 मिनट तक पाए के साथ इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं, ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक भूनेंगे। तो ये देखिए भून गया है। तो अब हम इसमें ऊपर से स्टॉक भी डाल देंगे। यहाँ पे अब आप आंच को मीडियम कर सकते हैं। अब जो हमने वो अलग से मटन के पीसेस तैयार किए थे उसको भी इसमें ऐड कर लिया है, अच्छी तरह इसे मिक्स कर दिया है। अब हम 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका। चलिए चेक कर लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट हो गई है, वैसे ही हमें ऐसा ही चाहिए पाए के लिए। अब मैं ऊपर से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। 2 मिनट के लिए हरी मिर्च डालने के बाद भी इसे ढक्कन के साथ पकाएंगे। आई की एक स्पेशलिटी ये है कि जब ये पकते हैं तो घर में बहुत खुशबू महकती है, तो कुछ इसी तरह की खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई है। तो आप भी इसे इंजॉय करें, ऊपर से हरा धनिया ऐड करने के बाद इसे सर्व कीजिए।
इसे गरम गरम रोटी या नान के साथ आप सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस होते हैं ये। इस बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत इजीली बन जाएगी और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। आप बेफिक्र होके इस रेसिपी को बना सकते हैं।